जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। पूज्यपाद का मंगलमय पदार्पण हम सबके बीच में हो रहा है। धर्म की जय हो, अधर्म का धर्म के अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नमो माधव्य शंभो, शिव 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 शिव, नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आप महान भावों ने अद्भुत अपनत्व आस्था उत्साह और आह्लाद पूर्वक इस भव्य कार्यक्रम का समायोजन किया है। इस कार्यक्रम के समायोजन और संचालन में
जिन महान भावों का गुप्त अथवा प्रकट योगदान है, भगवान श्री चंद्रमौलीश्वर की अनुकंपा के अमोघक प्रभाव से उनका सर्वविध उत्कर्ष हो, ऐसी भावना है। सज्जनों, यह भारत है, विश्व का हृदय है, साक्षात जगदीश्वर श्री रामकृष्णादि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगदीश्वरी जगत जननी पराचित्य स्वरूपा भगवती सीता रुक्मिणी राधा आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होती हैं। भारत के अस्तित्व आदर्श की रक्षा हमारा आपका पवित्र दायित्व है। ज्ञान विज्ञान में जिसकी प्रीति प्रवृत्ति निसर्ग सिद्ध हो, उस देश का नाम भारत है। संपूर्ण विश्व इस तथ्य को जानता और मानता है कि वैदिक सनातनी आर्य हिंदुओं ने विश्व को धर्मशास्त्र दिया, अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, चिकित्सा, वास्तु विज्ञान, गणित विज्ञान आदि दिया। आवश्यकता इस बात की है कि भारत अपनी मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का सबके हित का ध्यान रखता हुआ इस देश के उत्कर्ष में उपयोग और विनियोग करे। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम और मोबाइल के युग में भी भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति विश्व में ख्याति प्राप्त है। तथापि अभी भारत ने इस प्रकार की क्षमता प्राप्त नहीं की है कि वह इन शक्तियों का उपयोग भारत के उत्कर्ष में भरपूर कर सके। सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, उत्सव, त्योहार, विवाह आदि के जितने प्रकल्प हैं वे सर्वोत्कृष्ट हैं, लेकिन विकास के नाम पर द्रुत गति से ये विलुप्त किए जा रहे हैं। हम विकास के पक्षधर अवश्य हैं, परंतु ध्यान रखने की आवश्यकता यह है कि वैदिक विधा से विकास परिभाषित हो और क्रियान्वित हो। श्रीमद् भगवद् गीता के 18वें अध्याय का अनुशीलन करने पर यह तथ्य उद्भासित होता है कि वेद विहीन विधा से जब विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया जाता है, तब विकास के गर्भ से विनाश या विस्फोट की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, जल, तेज और वायु आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत हैं सज्जनों, लेकिन आधुनिक जगत ने भौतिक विधा का आलंबन लेकर विकास को जिस ढंग से परिभाषित और क्रियान्वित किया है, उसका भीषण परिणाम यह है कि आज पृथ्वी विकृत, दूषित तथा कुपित है। जल
विकृत दूषित तथा कुपित है। तेज विकृत दूषित तथा कुपित है। वायु भी विकृत दूषित तथा कुपित है। जिन तत्वों से हमारे शरीर की संरचना हुई है वे तत्व ही वेद विहीन विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के कारण जब विकृत दूषित और क्षुब्ध या कुपित कर दिए गए हैं तब हमारा जीवन अवश्य ही विकृत दूषित और क्षुब्ध होने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में भारत के मनीषियों का और मूर्धन्य राजनैतिक दलों के विचारकों का यह दायित्व है कि वे वैदिक विधा से विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने का प्रयास करें। श्रीमद् भगवद् गीता के 18वें अध्याय में इस तथ्य को ख्यापित किया गया है कि जब बुद्धि पर तमोगुण का प्रभाव होता है, तमोगुण की प्रगल्भता जब होती है तब व्यक्ति उस स्थिति में सर्वथा विपरीत विज्ञान से संपन्न होता है। जब बुद्धि पर रजोगुण का वर्चस्व या प्रभाव होता है तब उस बुद्धि के माध्यम से जीव अयथावत विज्ञान प्राप्त करता है, न सर्वथा यथार्थ न सर्वथा अयथार्थ। जब बुद्धि सत्व गुण से समाविष्ट होती है तब दूध का दूध पानी का पानी उस बुद्धि के माध्यम से जीव यथार्थ विज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। ऐसी स्थिति में सत्व गुण की प्रगल्भता की दशा में हम यदि विकास को वैदिक विधा से परिभाषित और क्रियान्वित करने में समर्थ होते हैं तो अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए वरदान स्वरूप सिद्ध हो सकते हैं। आज पूरा विश्व या चिंतन करने के लिए बाध्य हो गया है कि आखिर विकास की परिभाषा क्या है और उस परिभाषा को क्रियान्वित करने की स्वस्थ विधा क्या है। मैं इस संदर्भ में डंके की चोट से एक तथ्य स्थापित करना उचित समझता हूँ कि सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन वेदादि शास्त्रों में बताया गया है और जीवों के जीवन का जो प्रयोजन बताया गया है, जब तक उस प्रयोजन का ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति अपने जीवन को और किसी भी वर्ग तंत्र प्रांत या राष्ट्र या विश्व को समुन्नत करने में सफल नहीं होगा। एक तथ्य है, वेदोक्त कर्मकांड हो, उपासना कांड हो, चाहे ज्ञान कांड ही क्यों ना हो, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस वैदिक दार्शनिक वैज्ञानिक तथ्य में आस्था अपेक्षित है। व्यक्ति का जीवन तब तक उत्कर्ष की ओर अग्रसर नहीं होता जब तक वह इस तथ्य को जान और मान नहीं लेता कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति की 80 वर्षों की आयु पूर्ण हो चुकी है, कदाचित उस व्यक्ति ने एक वर्ष की सीमा में 10 ही स्वप्नों को देखा हो तो भी 80 वर्षों की सीमा में स्वप्न के उसके 800 शरीर नष्ट हो चुके होते हैं, लेकिन वह अपना नाश नहीं मानता।
केवल इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। शरीर की संख्या 800 हो जाने पर भी वह अपनी संख्या एक ही मानता है। इस दृष्टांत के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य ख्यापित होता है कि देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। जब व्यक्ति इस वैदिक तथ्य में विश्वास करता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, तब वह विकास को समझने की स्थिति में आता है और उसके द्वारा परिभाषित विकास का क्रियान्वयन उसके लिए और अन्यों के लिए हितप्रद सिद्ध होता है। हम एक संकेत करना उचित समझते हैं सज्जनों। शरीर को आत्मा मानकर चेतना विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। इस मत में जिनकी आस्था है, जो देहात्मवादी हैं, लोकायतिक हैं, चार्वाक हैं या आधुनिक भाषा में कम्युनिज्म की धारा में बहने वाले हैं, उनके द्वारा जब विकास को परिभाषित किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है, तब विकास के गर्भ से विस्फोट निकलता है। लगभग हम 6 महीने से एक तथ्य सार्वजनिक सभा में प्रकट करते हैं। गूलर का जो पका हुआ फल होता है उसको आप तोड़िए, 2 टुकड़े कर दीजिए, उसमें बहुत से पतंगे, कीट, जंतु फुदकते हुए उड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। जब तक वे गूलर के फल के अंदर होते हैं, तब तक गूलर के फल का पूरा अंदर का भाग भी उन्हें दृष्टिगोचर नहीं होता। जब वे गूलर के फल के बाहर आते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि गूलर की परिधि ही सृष्टि की परिधि नहीं है। ठीक इसी प्रकार जितने भौतिकवादी देहात्मवादी होते हैं, उनकी बुद्धि अत्यंत संकीर्ण होती है। वे अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। प्रायः भौतिकवादी जितने हैं उनको बहुत बुद्धिमान मानते भी हैं, लेकिन वे सचमुच में अत्यंत संकीर्ण विचारधारा के होते हैं। उनकी दृष्टि अत्यंत सीमित होती है, संकुचित होती है। देहात्मभाव से भावित जितने विचारक हैं, उनके द्वारा जो विकास को परिभाषित और क्रियान्वित किया गया है, उसके गर्भ से विश्व स्तर पर आज विस्फोट ही विस्फोट प्राप्त है सज्जनों। गूलर के फल के अंदर जो फुदकते हुए पतंगे हैं, जीवाणु हैं, जंतु हैं, कीट विशेष हैं, उनकी अपेक्षा उपमंडूक की दृष्टि प्रशस्त मानी जाती है। कुएं में फुदकता हुआ जो मेढक होता है, उछल कूद मचाता है। कभी कभी उसकी दृष्टि कुएं की परिधि के ऊपर जाती है, तब उसको लगता है कि कूप की परिधि ही सृष्टि का क्षेत्रफल नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी भौतिकवादी होते हैं, जो केवल चेतना विशिष्ट शरीर को नहीं, बल्कि शरीर से अतीत इंद्रियों में आत्मबुद्धि संपन्न होते हैं। उनकी दृष्टि विषय की किंकर्ता, शरीर की किंकर्ता को पालने वाले भौतिकवादियों की अपेक्षा निस्संदेह उन्नत होती है, लेकिन उनकी दृष्टि भी अत्यंत प्रशस्त नहीं होती। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में एक तथ्य उद्भाषित किया गया सज्जनों, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। ध्यान देकर सुनिए, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है, लेकिन मन की गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में होती है। इसीलिए
जीवात्मा का दिव्य चक्षु मन है। छांदोग्य उपनिषद में इस तथ्य को ख्यापित किया गया। फिर से सुनिए, जितने इंद्रियात्मवादी हैं केवल इंद्रियों में ही रचे पचे हैं, उनकी दृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित होती है, लेकिन जो मन का आलंबन लेते हैं, इंद्रिय के भेद से मन में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इंद्रियां अनेक होती हैं, मन एक होता है, अंतःकरण एक होता है। हमारे आपके मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में सज्जनों है। ऐसी स्थिति में अगर हम अपने मन को परिष्कृत करें तो मन में यह क्षमता है कि जो कुछ कालातीत तत्व है, अव्याकृत परमात्मा आदि, उसमें भी मन की गति हो सकती है। फिर से सुनिए, मन केवल वर्तमान तक गतिशील नहीं है, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक सीमित है, लेकिन मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है। इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद ने बताया कि जो वेद हैं ऋक यजु साम और अथर्व, मंत्र और ब्राह्मण, वे मन में सन्निहित होते हैं। हमारे जीवन में मन में वेद सन्निहित होते हैं, इसका अर्थ क्या है? मन की गति भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है, और वेद की गति भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में है। भगवान मनु ने वेद के संदर्भ में एक तथ्य उद्भाषित किया, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ काल गर्भित है उस सब का ज्ञान वेदों के द्वारा संभव है, होता है। वेदों का बीज सज्जनों ओंकार है, जिसे प्रणव कहते हैं। जैसे वट का बीज होता है, वैसे ही वेदों का बीज प्रणव या ओंकार है। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति कठोपनिषद के अनुसार, तो मांडूक उपनिषद का कथन है, यक्षत्रिकालातीतम तदप्य ओंकार एव। काल गर्भित ही नहीं अपितु जो कुछ कालातीत तत्व हैं, अव्याकृत जिसको प्रकृति कहते हैं, प्रकृति से भी अतीत जो परमात्मा तत्व या भगवत तत्व है, उन सब का उद्भाषक वेद है। और मन में भी यह क्षमता है कि मन की गति इंद्रियों तक है, इंद्रियों के द्वार से विषयों तक है, और मन यदि ऊर्ध्वमुख हो जाए तो साक्षात परमात्मा में भी मन की गति हो जाती है। केनोपनिषद का सज्जनों उद्घोष है, यह चेद अवेदी दथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदिन महति विनष्टि। अगर जीवन काल में ही देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत ही भगवत स्वरूप आत्म तत्व को जान लिया, तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत भगवत स्वरूप आत्म तत्व को नहीं जाना तो जीवन निरर्थक गया। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने केनोपनिषद के इस वचन को अपने शब्दों में उद्भाषित करते हुए अर्जुन को प्रबोधित किया, यही वितर्जिता सर्वो ये साम्य स्थितम मन निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मण ते स्थिता। वे जिनका मन सदोष और विषम शरीर और संसार से कर्षित होकर, उपरत होकर, अनासक्त होकर सम और निर्दोष परमात्मा में प्रतिष्ठित हो गया है, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली है। पूरा विश्व इस तथ्य को जान सकता है, मान सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उद्घोष दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक तीनों धरातल पर चरम सत्य है, परम तथ्य है, अकाट्य है। क्या है? प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर
मर्त्य लोक से नीचे और मर्त्य लोक से ऊपर तक के जितने पदार्थ हैं और मर्त्य लोक में जितने पदार्थ हैं उन पर विचार करें तो जो कुछ अनात्मा है, दृश्य है, कार्य है या कार्य की जननी प्रकृति माया है वह विषम है और सदोष है। अनात्म वस्तुएं जितनी भी हैं वो विषम हैं, सदोष हैं। विश्व में अब तक जितने विचारक हुए हैं या जितने वैचारिक तंत्र हुए हैं, आजकल विश्व में जितने विचारक और वैचारिक तंत्र हैं, भविष्य में भी जितने विचारक या वैचारिक तंत्रों के होने की संभावना है, सबको दृष्टिगोचर करते हुए हम एक तथ्य प्रकाशित करना चाहते हैं। कोई भी विचारशील महान भाव विचार की कसौटी पर कसने पर जो कुछ दृश्य प्रपंच है उसको सदोष और विषम जानने के लिए बाध्य हैं। सृष्टि की बहुत उपयोगिता है लेकिन है अपने आप में यह सदोष और विषम। इसके विपरीत केवल भगवान परमात्मा या आत्मा ही सदोष न होकर निर्दोष और विषम न होकर सम सिद्ध है। भगवत तत्व, परमात्मा तत्व या ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व सज्जनों एकमात्र ऐसा तत्व है जो निर्दोष और सम है। जो कुछ सदोष और विषम है केवल उसी का वर्णन करने पर, उसी में मन को रमाने पर जीवन कृतार्थ नहीं हो सकता। वर्णन करने योग्य, कमनीय, वर्णीय, भजनीय तो निर्दोष और सम परमात्म तत्व या भगवत तत्व ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्राप्त करके पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल से युक्त सृष्टि को प्राप्त करके जो समग्र अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर निर्दोष और सम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में प्रतिष्ठित करने में, सन्निहित करने में समर्थ होते हैं, वे जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का अत्यंतिक उच्छेद करने में समर्थ होते हैं। कोई भी विचारक प्रश्न कर सकते हैं और विचार करना ही चाहिए, प्रश्न करना ही चाहिए, इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी क्या सनातन सिद्धांत, दर्शन, मत या वाद की उपयोगिता शेष है? प्रायः लोग गोष्ठी में पूछते हैं, आजकल भी क्या वर्ण व्यवस्था का महत्व है, जाति व्यवस्था का महत्व है, वो पुराने नियम आज भी क्या उपयोगी सिद्ध होते हैं? ऐसे महान भावों को सहृदयता पूर्वक सुनना और समझना चाहिए। सज्जनों सावधान, पृथ्वी से आप परहेज करके सुरक्षित रह सकते हैं? इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी क्या पृथ्वी की उपयोगिता विलुप्त हो गई है? क्या जल की उपयोगिता विलुप्त हो गई है? क्या तेज की उपयोगिता विलुप्त हो गई है? क्या वायु की उपयोगिता विलुप्त हो गई है? क्या आकाश की उपयोगिता विलुप्त हो गई है? कोई भी वैज्ञानिक या इंजीनियर, कितने भी विचारक क्यों ना हो, क्रांतिकारी क्यों ना हो, महायंत्रों को उद्भाषित करने वाले क्यों ना हो, आखिर उनको पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल का और देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का आलंबन लेना ही पड़ता है। अगर पुराने वस्तु से परहेज है तो पृथ्वी से परहेज कीजिए, जल से परहेज कीजिए, तेज से परहेज कीजिए, वायु से परहेज कीजिए, आकाश से परहेज कीजिए और इंद्रियों से परहेज कीजिए, मन से परहेज कीजिए, बुद्धि से परहेज कीजिए, चित्त से परहेज कीजिए, अहंकार से परहेज कीजिए, यहाँ तक कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, आध्यात्मिक प्राण से परहेज कीजिए। और जीव स्वयं अनादिकाल से है, जीव से परहेज कीजिए और सबसे पुराने तो परमात्मा या भगवान हैं, उनसे दूरी बनाकर रखिए। जितनी पुरानी चीजें हैं सबकी उपेक्षा करके देखिए, एक क्षण भी जीवन की कल्पना की जा सकती है? अगर करोड़ों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज नेत्रों के द्वारा नील, पीत, श्वेत आदि रूपों का दर्शन करते थे, आज भी हम आप
नेत्रों के द्वारा ही नील पीत श्वेत आदि रूपों का दर्शन करते हैं। भविष्य में जितने व्यक्ति प्राणी होंगे वे नेत्रों के द्वारा ही रूप का दर्शन कर सकेंगे। इस सनातन सिद्धांत पर क्या काल ने पानी फेर दिया? काल सनातन तथ्य पर पानी फेरने वाला नहीं है। काल का अर्थ होता है सनातन तथ्य को उद्भाषित करना। मैं एक संकेत करता हूं, महाभारत भीष्म पर्व के अनुसार लोग कहते हैं ना कि जरा ये आवेश में आ गए, किसी के लिए कहते ना आवेश में आ गए। युधिष्ठिर जी का यह प्रश्न सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, धर्म का फल दुख दे दे काल में भी युधिष्ठिर वह सामर्थ्य नहीं है। फिर उन्होंने कहा, सुनो युधिष्ठिर, काल सदा ही धर्म और ब्रह्म का सत्य का पक्षधर होता है। समझ गए, काल सदा ही सत्य का पक्षधर होता है। सनातन सत्य उसको कहते हैं, सनातन तथ्य उसको कहते हैं, सनातन दर्शन उसको कहते हैं, सनातन उसको कहते हैं जो काल के द्वारा कवलित ना हो। वेदांत में आस्थान्वित महान भाव इस बात को जानते हैं, सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म, सच्चिदानंद मात्रम आदि वेद वचनों के अनुसार सज्जनों, भगवान अनंत हैं। अनंत का अर्थ होता है काल के द्वारा कवलित नहीं होते, नित्य हैं। भगवान अनंत हैं, देश के द्वारा कवलित नहीं होते, व्यापक हैं, सर्वत्र विद्यमान है। भगवान अनंत हैं, सर्वरूप सर्वाधिष्ठान हैं, वस्तुअंतर में उनका भाव नहीं होता। जो काल के द्वारा कवलित ना हो, देश के द्वारा कवलित ना हो, वस्तुअंतर के द्वारा कवलित ना हो, उसी का नाम अनंत है। तो जितने सनातन तथ्य या सिद्धांत हैं वो हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए हमेशा उपयोगी हैं। सनातन किसको कहते हैं? हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए जिसकी उपयोगिता पूर्ववत सन्निहित हो, सिद्ध हो, उसी का नाम सज्जनों सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ न समझने के कारण ही अधिकांश व्यक्ति दिग्भ्रमित हैं और वे कहते हैं क्या पुराने नियम आज भी हितप्रद हो सकते हैं? मैंने दृष्टांतों की झड़ी लगा दी। हाँ, केवल अदूरदर्शिता के कारण, मूढ़ता के कारण या विडंबना के कारण, धूर्तता के कारण जब कोई अंध परंपरा चला दी जाती है, शास्त्र सम्मत नहीं, शास्त्र विरुद्ध, तब उसका मार्गदर्शन शोधन या उसका पुनोदन अपेक्षित होता है। लेकिन शास्त्र सम्मत जितने प्रशस्त तथ्य हैं, शास्त्र सम्मत जितनी प्रशस्त गाथाएं हैं, परंपराएं हैं, उनका अनुगमन करने पर ही इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। थोड़ा सावधान होकर सुनने की आवश्यकता है। आखिर जिस परमात्मा ने पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल से मंडित जगत की रचना की और हम जीवों को हमारे कर्मानुसार देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, वह परमात्मा सर्वज्ञ मान्य है या नहीं? जिसने पृथ्वी की रचना की, जल की रचना की, तेज की रचना की, वायु की रचना की, आकाश की रचना की, नभोमंडल में विचित्र नक्षत्र मंडल की रचना की, चंद्रमा की रचना की, सूर्य की रचना की, अग्नि की रचना की, उस परमात्मा की बुद्धि के आगे तो नतमस्तक हर विचारक को होना ही पड़ेगा। जिस सिद्धांत का आलम्बन लेकर, नियम का आलम्बन लेकर परमात्मा ने इस सृष्टि की संरचना की है, जिस नियम का आलम्बन लेकर परमात्मा सृष्टि की रक्षा करते हैं, इसका पालन करते हैं, और जिस सिद्धांत के आधार पर फिर महाप्रलय की दशा में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश
अहम तत्व महत्त्व अव्यक्त को भी विलीन कर लेते अपने आप में, केवल सच्चिदानंद स्वरूप अद्वय ब्रह्म होकर ही 31,10,40,000 वर्षों तक भगवान स्थित होते हैं, उनको तो मानना ही पड़ेगा। जिस सिद्धांत का आलंबन भगवान लेते हैं, जो सनातन सिद्धांत है, जिस सिद्धांत के द्वारा भगवान जगत की उत्पत्ति, जगत की स्थिति, जगत की समृद्धि, सृष्टि का निग्रह और अनुग्रह करते हैं, उसी का नाम सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत है सज्जनों। इसलिए इस रॉकेट कंप्यूटर एटम मोबाइल के युग में भी श्वेता स्वतर उपनिषद की गाथा ज्यों के त्यों चरितार्थ है, नान्या पंथा विद्यते यनाया। लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का अन्य कोई पंथ उपाय चारा मार्ग नहीं है। फिर से सुनिए, लौकिक उत्कर्ष पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग जिससे प्रशस्त होता है, उसी का नाम सज्जनों सनातन वैदिक आर्य हिंदू सिद्धांत है। हम जीवों को आखिर शरीर क्यों प्राप्त हुआ है? देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन हम जीवों को क्यों प्राप्त हुआ है? श्रीमद्भागवत के वेदस्तुति नामक अध्याय के दूसरे श्लोक में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणांजना नाम सिद्ध प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम चात्मनि कल्पनाय च। अर्थ धर्म काम और मोक्ष संयत पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि जीवों को हो सके, इस भावना से भावित होकर अकृतार्थ जीवों को पुनः कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सृष्टि की संरचना की और देहेंद्रिय प्राणांतःकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। वेदांत प्रस्थान के अनुसार, वैदिक सिद्धांत के अनुसार सज्जनों, हमको अर्थात हम सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं को जैसा ईश्वर मिला है, वैसा ईश्वर किसी अन्य ईश्वरवादी को स्वप्न में भी सुलभ नहीं है। फिर से सुनिए, ईश्वर ईश्वर एक समान उन्माद है। जिनको ईश्वर का ज्ञान नहीं है वही अनर्गलप प्रलाप करते हैं ईश्वर ईश्वर एक समान। हमारे ईश्वर की वेदादि शास्त्र सम्मत ईश्वर की विशेषता क्या है? हमारे भगवान सृष्टि बनाते भी हैं और सृष्टि बनते भी, जगत बनाते भी हैं और जगत बनते भी हैं। इसलिए समय समय पर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार भी लेते हैं, सीता राधा रुक्मिणी आदि रूपों में अवतार भी लेते हैं। यह माइक नामक यंत्र है, किसी ज्ञानवान इच्छावान प्रयत्नवान चेतन यांत्रिक मैकेनिक ने लोहा और प्लास्टिक नामक मेटर धातु या पदार्थ को इस माइक नामक यंत्र का रूप प्रदान किया होगा। जो ज्ञानवान इच्छावान प्रयत्नवान चेतन यांत्रिक मैकेनिक किसी मेटर या धातु को कार्य का रूप प्रदान करता है, उसे उस कार्य का निर्माता निमित्त कारण कहा जाता है। जो मेटर धातु या पदार्थ कार्य के रूप में उल्लसित विलसित परिणत होता है या विवर्तित होता है, उसे उस कार्य का उपादान कारण कहा जाता है। जिस यांत्रिक ने माइक बनाया उसमें माइक बनाने की क्षमता सन्निहित थी, माइक बनने की शक्ति सन्निहित नहीं थी। और जो लोहा प्लास्टिक नामक मेटर धातु या पदार्थ माइक नामक यंत्र बना उसमें माइक बनाने की क्षमता थी, माइक बनने की क्षमता थी, माइक बनाने की क्षमता नहीं थी। लोहा में माइक बनने की क्षमता थी, मैकेनिक में माइक बनाने की क्षमता थी, लेकिन हमारे ईश्वर ऐसे हैं जिनमें जगत बनने की और जगत बनाने की दोनों प्रकार की क्षमता है। वेदों की बात छोड़ दीजिए, वेदों के आधार पर तुलसीदास जी की बात तो सुन लीजिए, जय शिष्ट उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। जिस परमात्मा ने अपने अतिरिक्त किसी का वरण ही नहीं किया, उनके अतिरिक्त कोई था भी नहीं,
आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक त्रिविध प्रकार के संसार की संरचना कर दी। वो ईश्वर चमत्कार पूर्ण अन्यों के ईश्वर जगत बना ले तो जगत बन नहीं सकता, इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार भी नहीं ले सकता। हमारे ईश्वर की अपूर्वता है कि वे आधुनिक दृष्टि से विचार करें तो मेकर और मेटर दोनों जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं, इसलिए श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतार भी लेते हैं। तो हमने कहा कि वेदादि शास्त्रों के आधार पर हमको जिस ईश्वर की प्राप्ति हुई है वैसा ईश्वर अन्य किसी ईश्वरवादी को स्वप्न में भी सुलभ नहीं है। हमारे ईश्वर जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। मुंडक उपनिषद का अनुशीलन कीजिए, मकड़ी जाला बनाती भी है, जाला बनाने की सामग्री अपने अंदर संजो के रखती है, जाला बनने वाली भी मकड़ी, जाला बनाने वाली भी मकड़ी। एक सिद्ध योगी संकल्प के द्वारा जब व्याघ्र बन जाता है उस योगक व्याघ्र को बनाने वाला भी योगी, बनने वाला योगक व्याघ्र बनने वाला भी योगी। हमने मंगलाचरण के व्यास से कहा, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नवत राक्षसांतकम। जहाँ जहाँ भगवान राम भद्र का यशोगान होता है वहाँ वहाँ रामचरित सुनवे को रसिया हनुमान जी काय व्यूह प्रकाशक व्यूह रचना करके गुप्त रीति से दृष्टिगोचर न होते हुए प्रेमाश्रु को प्रसारित करते हुए बहाते हुए कथा सुनते हैं। इसका मतलब एक ही समय में कहीं 1000 स्थलों पर श्री राम जी का यशोगान होता हो, 1000 शरीर कौन बना लेते हैं हनुमान जी, इसी का नाम काय व्यूह है। अगर वैदिक विधा से कहीं 1,00,000 स्थान पर एक ही समय इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः इस प्रकार देवराज इंद्र के नाम से आहुति डालती जाती हो तो देवराज इंद्र एक ही समय में 1,00,000 अपना शरीर धारण करके उस आहुति को ग्रहण करते हैं, इसी का नाम है काय व्यूह प्रकाशक व्यूह। तो जैसे योगी एक समय में 1,00,000 शरीर धारण कर ले तो शरीर बनाने वाला भी योगी, शरीर बनने वाला भी योगी, ठीक इसी प्रकार हमारे भगवान जगत बनाते भी हैं, जगत बनते भी हैं। भगवान की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, हम बंदे भगवान के अंश शरीके हैं, भगवान हमारे अंशी शरीके हैं। हमको आपको स्वप्न तो होता है, महीने में 2-4 बार तो होता ही होगा। स्वप्नावस्था में हमारा आपका मन ही हमसे उद्दीप्त होकर चेतित होकर स्वप्न जगत का स्थावर जंगम प्राणी बन जाता है। मन ही स्वप्नावस्था में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल बन जाता है। मन के योग से हम जीवात्मा ही स्वप्न में पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश दिक्काल स्थावर जंगम प्राणी बन जाते हैं। यह चमत्कृति स्वप्नावस्था में हमको आती है, क्यों आती है मालूम है? इस स्थूल शरीर की दासता मिट जाती है, इस स्थूल शरीर का विस्मरण हो जाता है। इस स्थूल शरीर के नाते जितने रिश्तेदार नातेदार हैं उनसे भी संबंध टूट जाता है, इसीलिए स्थूल शरीर की दासता टूट जाने के कारण स्वप्नावस्था में हमारे आपके जीवन में वह चमत्कृति आ जाती है। सकल स्वप्न प्रपंच के रूप में हम स्वयं को व्यक्त कर लेते हैं। द्वार हमारे पास हमारा मन होता है, जैसे जीवों के पास मनोवृत्ति द्वार है वैसे भगवान जो जगदीश्वर हैं माया वृत्ति विशुद्ध सत्वात्मिका माया वृत्ति के योग से भगवान जो कि उनकी शक्ति है सारी सृष्टि बन जाते हैं, स्वयं को ही सृष्टि के रूप में उद्भासित करते हैं। जन्म का पर्यवसान मृत्यु है, यह तो आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत सिद्धांत है। भगवद गीता के 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, जातस्य ध्रुवो मृत्युः
का पर्यवसान मृत्यु है, या तो आस्तिक नास्तिक हो गए, सम्मत सिद्धांत। लेकिन आगे भगवान ने क्या कहा, ध्रुवम जन्म मृत्यु, अगर कृतार्थ हुए बिना देह त्याग कर दिया तो फिर मृत्यु का पर्यवसान। हमने कहा ध्रुवम जन्म मृत्यु, अगर अकृतार्थ होकर देह त्याग किया तो फिर मृत्यु का पर्यवसान जन्म है। ऐसा क्यों, ध्यान पूर्वक सुनिए। हम जितने जीव हैं, भाजपाई हो या कांग्रेस, सपाई हो या बसपाई, स्त्री हो या पुरुष, हिंदू हो या हिंदू, स्थावर हो या जंगम, सबकी चाह का, इच्छा का सचमुच में विषय क्या है? ऐसा जीवन जहां मौत की छाया न पहुंचे, ऐसा ज्ञान जहां, ऐसी चेतना जहां जड़ता अज्ञान की छाया न पहुंचे, ऐसा आनंद जहां दुख की छाया न पहुंचे। जो कुछ अनित्य है, जड़ है, दुख है, उससे पिंड छुड़ाकर सच्चिदानंद मात्र होकर हम शेष रहना चाहते। या जो वाक्य मैंने कहा, इसका खंडन विश्व में कहीं हो ही नहीं सकता है, जीवों की, हम जीवों की चाह का विषय हमारा अपना मौलिक वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद है। मृत्यु के चपेट से विनिर्मुक्त जीवन असतो मा सद्गमय, अज्ञता जड़ता के चपेट से विनिर्मुक्त विज्ञान तमसो मा ज्योतिर्गमय, वेदना ताप के चपेट से विनिर्मुक्त आनंद असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु और मा मृतम गमय। हम सच्चिदानंद तत्व को पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं का अर्थ है सच्चिदानंद होकर रहना चाहते हैं। जो हमारा तात्विक स्वरूप है वही हमारे आकर्षण का विषय है। पृथ्वी के ढेले का, पृथ्वी के अंश पत्ते इत्यादि का, फल इत्यादि का आकर्षण केंद्र पृथ्वी, जल की धारा का आकर्षण केंद्र जल समुद्र, दीप शिखा के आकर्षण का केंद्र सूर्य। इसी प्रकार सज्जनों, जीवों के आकर्षण के केंद्र उनके अंशी सरीखे जीवों का वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद तत्व है। और प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने पर यह जगत असच्चिदानंद है। ऐसी स्थिति में देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का सदुपयोग यही हो सकता है कि हम देह त्याग के पूर्व ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लें। अब हम व्यावहारिक धरातल पर 10 मिनट जो संकेत करते हैं उस पर ध्यान दीजिए।